धीरे करके सिस्टम चेंज होगा। ये मैं मान के चलती हूँ कि 10 साल के बाद हमारे हिंदुस्तान में वुमेन्स में एक सोशल चेंज आएगी। उसके बाद वो जो चीज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 10 साल तक पूरी की पूरी तरह एक डिसीजन मेकिंग बन जाएगी। औरतें बोलने लगेगी, कहेंगी, फर्क पड़ गया। पहले जो हमने इस साल 2014 में इलेक्शन में, सबको पता है जितनी भी इलेक्शन होती हैं उसमें ड्रग बांटते हैं ये लोग, सबको पता, पर कहता कोई नहीं है। जो जेंट्स होते हैं क्योंकि जे इन सबको एक दूसरे के साथ काम पड़ते हैं, जे फिर जाते हैं लीडरों के पास जाना होता है, उन्हें मिलना बैठना होता है, इसलिए बोलते नहीं है, कहते नहीं नहीं जी बिगड़ जाएगी हमारी, ऐसे बोलते हैं ना। और हम लोगों को पता होता है, हम लोग बोलते ही हैं, जिसको बोलते नहीं देंगे। हमने सबसे पहले इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन की डेट से पहले ये मुद्दा उठाया था कि जितने लीडर हैं वो युवाओं को अपने साथ काम करने के लिए लगाते हैं और वो उनको ड्रग की एडिक्शन डाल देते हैं महीना डेढ़ महीना काम करवा के। पहले फ्री में लेते रहते हैं, इलेक्शन खत्म होते हैं वो एडिक्टेड हो जाते हैं। और ये डेटा काउंटेड है कि 10% युवक जब भी इलेक्शन होते हैं नशे का शिकार होते हैं। तो वो हमने इस साल शुरू किया था पंजाब में, ऐसा मुद्दा बना कि उसके बाद और कोई मुद्दा ही नहीं रहा इलेक्शन में। पूरे पंजाब में ड्रग का ही मुद्दा बन गया पूरे का। सारे लोग यही पूछने लगे ड्रग कहाँ से आता है, क्या होता है, कैसे खत्म होगा। किसी ने इलेक्शन में कोई फैक्ट्री नहीं मांगी, किसी ने कुछ नहीं मांगा, कोई इंडस्ट्री नहीं मांगी, ड्रग के मुद्दे में पंजाब ने इलेक्शन लड़ा इस बार। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने बोला उसको, हमने जनहित में कन्वर्ट कर दिया। और हम आगे भी यही चाहते हैं, हमारा 31 मार्च तक ये कैंपेन चलती है। जितने शराब के ठेके खुले हुए हैं वो हमने RTI के जरिए पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, एक साल में 20 से लेकर 25% ठेके बढ़ा के गवर्नमेंट खोल दिए। हमारी ये डिमांड है कि 20% ठेके साल की साल कम करो और जितने भी मोहल्ले गलियों में हैं उनको बंद करके मेन मार्केट में ले लो, जिसने जाना है वहां पे जाए, नहीं जाना तो ना जाए। और जिस दिन लेबर को सैलरी मिलती है 7 तारीख और 22 तारीख, उस दिन को ठेके बंद रखे जाए। स्कूल का टाइम है, कॉलेज का टाइम है, हॉस्पिटल जाने का टाइम है, ठेके का भी टाइम टेबल तय करना होगा, 12 बजे तक रात को खुले रहते हैं। ये सारी हम मांगे लेके सरकार के साथ लड़ रहे हैं। 31 मार्च तक हमारी ये कैंपेन चल रही है शराब के ऊपर, क्योंकि शराब बंद हो गई तो आधा नशा वैसे खत्म हो जाएगा, आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी, आधे लोगों के घर में लड़ाइयां मार कुटाई जितने झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाएगी। अगर हमारी ये कैंपेन सक्सेसफुल होती है, हम इसमें हाई कोर्ट में भी एक PIL डालने जा रहे हैं इसके लिए, जनहित बना के इसको बंद किया जाए, जो मजदूर लोग हैं या जितने बैकवर्ड लोग हैं वो सारे इस चपेट से बच जाएंगे।